इदानीं समादे है परम प्रयोजन माह, गौण प्रयोजन बता दिया था क्या है, शुद्धो धर्मो विवर्धते, अवांतर फल बता दिया था, अब मुख्य फल बता रहे। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। अमुना वासना जाले, अमुना मैंने समाधिना, इस समाधि के द्वारा वासना जाले निशेषम प्रविलापिते, अहंकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप अभिमान हेतुभूता ज्ञान विरुद्ध संस्कार समूह है वासना, उन वासनाओं की पूर्ण रूपेण निशेषम पूर्ण रूपेण प्रविलापिते मने विनाशिते, कैसे नाश किया, निशेषम समूल उन्मूलित जड़ सहित, जड़ मूल सहित उसका नाश कर दिया गया। पुण्य पापाख्य वासना जाल कैसा है, पुण्य और पाप का समूह रूपा है, कर्म संचय संचित कर्म उन संपूर्ण को नष्ट कर दिया। अमुना समाधिना, अमुना मने समाधिना, वासना जाल क्या है, अहंकार ममकार कर्तृत्व अभिमान हेतुभूत ज्ञान विरुद्ध संस्कार समूह है, अहंकार ममकार का कारणभूता, कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारणभूता, अभिमान आदि का कारणभूत जो ज्ञान का विरुद्ध है, ऐसे संस्कार समूह का नाम यहां वासना जाल लेना। वे सब निशेषम यथा भवति तथा प्रविलापिते मने विनाशिते, वह पूर्णतया मिट जावे जैसे, वैसे आपने इस ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया, समाधि के द्वारा नष्ट कर दिया है। केवल वासना जाल ही नष्ट हुआ क्या, कहते वासना जाल तो नष्ट हुआ, संस्कार तो नष्ट हुए और वे कर्म भी नष्ट होंगे जो फल देने के लिए भी इंतजार कर रहे थे, जो फल देने इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अभी हम भी फल देंगे इस जीव को, बैठे हुए हैं वो, फल देना शुरू नहीं किए हैं, प्रारब्ध नहीं संचित, इसे कहते हैं समूल उन्मूलते पुण्य पापाख्य कर्म संचय, पुण्य पापाख्य कर्म संचय समूल उन्मूलते, पुण्य और पाप समुदाय रूपा जो कर्म संचय है, संपूर्ण संचित कर्म समूल उन्मूलित है, मूल सहित यथावति जड़ सहित मैंने अज्ञान सहित जैसे वो नष्ट हो जावे उस प्रकार से आपने उन्मूलित उधरते उखाड़ के फेंक दिया, विनाशित इत्यर्थ समाधि के द्वारा नष्ट हो जाता है। फलितम माह, अब इंसाफ का निचोड़ निष्कर्ष दे रहे हैं, वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक परोक्षावभासिते करामलकवद् बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् तत्त्वमस्यादि वाक्य अप्रतिबद्ध होकर के सत्कर्म वासना उनके द्वारा जो आपकी समाधि की जो संस्कार के द्वारा जो संसार का संस्कार और वासना था वो तो नष्ट हो गया, इसलिए हम क्या कहते हैं संसार की वासना को नष्ट करने के लिए शास्त्र की वासना पैदा, और शास्त्र की भी वासना दूर करने के लिए महावाक्य की वासना पैदा, और महावाक्य जो स्वरूपानुभूति करा देते हैं उससे जो कुछ विशेष हो भी, इसलिए कह रहे हैं हाँ सब प्राक परोक्षावभासित है, प्राक परोक्षावभासित है, पहले जो परोक्ष रूपेण प्रकाशित था वही जीव ब्रह्म तत्व अब क्या हो गया, करामलक वद्बोधम अपरोक्षम प्रसूत, ऐसे अपरोक्षानुभूति का जन्म होगा इस समाधि से, जिससे जो पहले परोक्ष था जीव ब्रह्मैक्यत्व वही अब करामलक वद अपरोक्ष हो जाएगा। प्राप्त मैंने पहले समाधि से एतादृश धर्म एक रूपी निर्विकल्प समाधि के पराकाष्ठा अवस्था में उससे पूर्व जो जो परोक्ष था जीव ब्रह्मैक्यत्व का जो विचार वो सारे के सारे करामलक के समान
अपरोक्ष ज्ञान रूपेण उत्पन्न हो जाता है। वाक्यम माने तत्त्वमस्यादि वाक्यम अप्रतिबद्धम माने सत्कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम सत्। अप्रतिबद्धम सत् का मतलब क्या? कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम। अप्रतिबद्धम सत् पहले प्रतिबंध क्या है? कर्म और वासना, ये प्रतिबंध थे, अब उन प्रतिबंधों के रहित हो गया। अप्रतिबद्धम सत् इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम सत्। कर्म वासना, कर्म और वासना रूपी प्रतिबंधों से रहित होते हुए क्या हुआ? प्राग परोक्ष भाषते जो पूर्व में, प्राग माने पूर्व, परोक्षतया प्रकाशित तत्व, परोक्ष रूपेण प्रकाशित तत्व क्या था? वह जीव ब्रह्म केतुर्पा जो तत्व था वह करामलकवद्ध हो गया, माने कर स्थित आमलक गोचरम इव अपरोक्षम अपरोक्षतया। हाथ पे रखा हुआ आंवले को अंधा भी देखकर समझेगा बोल देगा ये आंवला है, अत्यंत अपरोक्ष हो जाता है ना। उसी प्रकार से यह वे सहायक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म अत्यंत अपरोक्ष हो जाएगा। तत्वाभासन समर्थम बोधम, तत्व का अवभास की योग्य समर्थ ऐसा जो बोध है, जो ज्ञान है, उत्पन्न हो जाएगा, प्रसूयति बने जनयति। लेकिन फिर परोक्ष ज्ञान का कोई फल ही नहीं है क्या? अपरोक्ष ज्ञान का फल ही बता रहे हो, परोक्ष ज्ञान का कोई फल नहीं है क्या? कहते नहीं, परोक्ष ज्ञान का भी फल है। क्या फल है? इदानीं परोक्ष ज्ञान सफल माह परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम दहति वहनिवत। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान इस जन्म में जो जानकर आपके द्वारा या अनजानकर आपके द्वारा जो किया गया पुण्य और पाप है वो खत्म हो जाए। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, परोक्ष जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान हुआ, उसे क्या हुआ? कैसे हुआ आपको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में? शाब्दम देशिक पूर्वकम, गुरुमुख के उपदेश पूर्वक तत्त्वमसि इत्यादि शब्दों से आपको ज्ञान हुआ, मैं जो जीव हूं मैं ही वह ब्रह्म हूं, जीव और ब्रह्म हम दो अलग नहीं हैं, हम एक हैं, वही मैं हूं। ऐसा जो परोक्ष ज्ञान हुआ गुरुमुख का तत्त्वमसि महावाक्य उपदेश के श्रवण के अनंतर, बुद्धिपूर्वक कृतम पापम, बुद्धिपूर्वक किया गया जो पाप है वो क्या हो जाएगा? कृष्णम दहति वन्निवत, अग्नि के समान बुद्धिपूर्वक कृतम पापम सर्वम नश्यति। अब प्रश्न उठता है, पाप नष्ट होता है आपने कह दिया, क्या पुण्य नष्ट नहीं होगा? नहीं होगा। क्या हमें विचार करके देखना है, यहां इस जन्म में किया हुआ बुद्धि कृतम, इस जन्म में जान करके आपके द्वारा किया हुआ कर्म, वह कर्म भी तीन प्रकार के विभाजन करना पड़ेगा। पुण्य कर्म को दो भाग कर दो, एक कामना पूर्वक किया आपने और एक अकामना पूर्वक किया हुआ पुण्य कर्म है, और दूसरा है पाप कर्म समूह। चाहे पाप, पाप तो ऐसा है चीज है जो जैसा भी करो कामना पूर्वक करो अकामना पूर्वक को फर्क पछ नहीं पड़ता। कहते इसलिए देखो इनमें पुण्य कर्म जो अकामना पूर्वक किया हुआ है वो नष्ट नहीं होंगे, किंतु क्या हो जाएंगे? अंतःकरण शोधक हो जाएंगे। और ये जो कामना पूर्वक किया हुआ है वह भी क्या हो जाएगा? विवेकवशा दग्ध बीजवत हो जाएंगे, जला और बीज के समान निष्फल हो जाएगा। विवेक जग गया जब आपकी सारी कामनाएं खत्म हो गई, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से विवेक होने पर क्या हो जाता है? कामनाएं खत्म, अतः वो कर्म भी निष्फल हो जाएगा, दग्ध बीज के समान हो जाएंगे, विवेक ज्ञान से वो नष्ट। और पाप तो कही रहे वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। उसने कामना से किया तो उसको विवेक की प्राप्ति होगी,
कामना से उसने किया है विवेक प्राप्त नहीं हो रही है। गुरु मुखोपदेश विवेक प्राप्त होने से कामना पर क्या कर्म भी अब क्या हो गया उस विवेक ज्ञान के द्वारा जल गया, अतएव वो भी निष्फल हो गया एक बार। और पाप कर्मों तो ज्ञान से नष्ट हो गया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही जानकर जन्म किया हुआ सगल पाप कर्म नष्ट हो जाते। जब बुद्धिपूर्वक कृतम पापम कृष्णम दहति वन्निवत। व्याख्या देखिए, देशिक पूर्वक मैंने गुरुमुखात लब्धम, गुरुमुख से प्राप्त, शाब्द मैंने तत्मस्यादि आगम जन्यम, तत्मस्यादि जो श्रुति वाक्य जन्य परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है बुद्धिपूर्वक कृतम, जो बुद्धिपूर्वक मैंने ज्ञान पूर्वक यथा जान करके भाई ये कर्म फल देने वाले कर्म नहीं देने वाले पुण्य है पाप है ऐसे समझ करके आप कर रहे हैं। यथा भवती तथा कृतं कृष्णं समस्तं पापं वन्निबद्धति, वह समस्त कर्म व ज्ञान के द्वारा क्या हुआ कहते हैं वन्नि के समान जलाकर राख हो जाता है। ये परोक्ष ज्ञान का फल हुआ। अपरोक्ष ज्ञान का मुख्य फल क्या है वो कहा जा रहा है, समाधि का अवान्तर फल और मुख्य फल बता दिया, और परोक्ष ज्ञान का फल और अब अपरोक्ष ज्ञान का भी फल बता रहा है। अपरोक्षात विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारण ज्ञान तमश्चंड भास्कर तमसश्चंड भास्कर। अपरोक्षात विज्ञान जो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हुआ वो भी कैसे देशिक पूर्वकम शाब्दम, वह भी गुरुमुखोपदेश सुना हुआ तत्मस्यादि वाक्यों से ही जन्य अपरोक्षानुभूति लेना, अन्य अपरोक्षानुभूति नहीं लेना दूसरे के तरीके से प्राप्त, अन्य साधनों से प्राप्त आत्म साक्षात्कार को नहीं लेना है, गुरुमुखोपदेश से श्रुत तत्मस्यादि तत्मस्यादि महावाक्यों से जन्य जो अपरोक्षानुभूति वही अपरोक्षानुभूति आपको क्या फल देता है संसार कारण, संसार का जो कारण होता क्या अज्ञान रूप महानतम को भी नष्ट करने वाला वह अपरोक्ष विज्ञान क्या है वो चंड भास्कर प्रचंड भास्कर के समान है, अंधकार को नष्ट करने वाला प्रचंड भास्कर के समान समझो यह अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान उस महान अज्ञान महाविद्या को भी नष्ट कर देता है। अपरोक्ष शाब्दम देशिक पूर्वकम इति व्याख्यात, उसके इन शब्दों के अर्थ पहले बता चुके हैं। शाब्द मने तत्मस्यादि वाक्य जन्यम और देशिक पूर्वकम मने गुरुमुखात लब्धम। अप्रोक्षात विज्ञान मने अप्रोक्षस्य आत्मनो विज्ञानम, अप्रोक्षस्य आत्मनो विज्ञानम, अप्रोक्ष जो आत्मा उसका विज्ञान। अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद संतमेनम ततो विदोहो, ये कहते उपनिषद में तैत्तिरीय श्रुति। अपरोक्षस्य आत्मविज्ञानम संशय विपरीतम, अपरोक्ष विशेषण क्यों दिया क्या आत्मविज्ञान क्यों कहते हो नहीं कहा, केवल आत्मविज्ञान न कहकर अपरोक्ष विषय जोड़ दिया ताकि निर्णय देने के लिए आपको तो संशय विपरीत रहित ज्ञान, ऐसा जो ज्ञानम तत् संसार कारण ज्ञान तमसः, संसार कारण में अज्ञानम अस्ति, संसार कारण जो अज्ञान है तदेव तमः वही घोर अंधकार है, तस्य उसका चंड भास्कर मध्यान कालीन सूर्य, उसके मध्यान चंड भास्कर मतलब प्रचंड भास्कर जो कि मध्यान कालीन ज्येष्ठ मास का मध्यान कालीन सूर्य के समान है, ऐसा ज्ञान उसको नष्ट कर देता है। बाह्य तमस चंड भास्कर इव अज्ञान तमस निवर्तकित्यर्थ, जैसे बाह्य अंधकार को प्रचंड भास्कर नष्ट कर देता है उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को निवर्तन कर देगा यह अपरोक्षानुभूति। इस ग्रंथ का पंच तत्व एक जो किया तत्व एक प्रकरणम, ये तत्व एक प्रकरण आपने पढ़ा है इसका इसी ग्रंथ, ये ग्रंथ अपने आप में ग्रंथ परिपूर्ण है। इस तरह से उन्होंने छह ग्रंथ बनाया, छह छोटे छोटे पुस्तक बना दिए थे और गुरु को दिया, गुरु से इतना खुश हो गए उस इच्छा को और विस्तार से समझाने के लिए और खुद उन्होंने नौ लिख दिया, कुल 15 अध्यायों वाला हो गया, 15 पुस्तक है छोटे छोटे, 15 को मिलाकर ये ग्रंथ बना। वास्तव में इससे ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा इसी का चिंतन करने से ही, और आगे कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं।
केवल पंचतत्व एक प्रकरण के चिंतन लगातार करोगे तो भी मोक्ष हो सकता है। इसलिए कहते ग्रंथाभ्यास फलम माह, इस पंच तत्व एक प्रकरण नामक इस ग्रंथ के अभ्यास करने का फल बता रहे इत्थं तत्वेकं विधाय विविधं मनः समाधाय, इत्थं तत्वेकं विधाय विधिवन मनः समाधाय, विगलित संस्कृति बंधः प्राप्नोति परम पदं नरो नचिरा। इत्थं तत्वेकं विधाय, इस प्रकार से तत्वेक नामक इस प्रकरण का विस्तार रूपेण विधान करके समझा करके शास्त्रोक्त प्रकारेण विधिवत शास्त्रोक्त प्रकारेण आप मन को स्थिर करके समाधि में स्थिर करके विगलित संस्कृति बंध इस संसार के कारण था ज्ञान बंधन को तोड़ करके परम पदम प्राप्त होती न रह, यह जीव जो है परम पद जो ब्रह्म पद है उसे प्राप्त कर लेता है न चिरात, जिस क्षण यह अनुभूति होगा उसी क्षण प्राप्त करता है, देर नहीं लगता है न चिरा। नर इत्थम नरह करता मनुष्य, इत्थम मैंने उक्त न प्रकार उक्त प्रकार से तत्विवेक तत्व का विवेक करके तत्वस्य मैंने ब्रह्मात्म एकत्व लक्षण से, तत्व क्या है जीव ब्रह्म एकत्व रूपा जो तत्व है उसको पूर्वोत्त प्रक्रिया में जीव ब्रह्म के तत्व का निश्चय करके विवेकम विवेक क्या कोश पंचकात् विवेचन कृत्वा, कोश पंचक से विवेचन विधिवत कृत्वा विधाय मैंने कृत्वा तस्मिन् तत्वे उस तत्व में विधिवत शास्त्रोक्त प्रकार से ही गुरुमुखाय शरण पूर्वक ही मन समाधाय स्थिरीकृत्य मन को स्थिर करके विगलित संस्कृत बंध संसार का बंधन के कारण होता जो अज्ञान है उसे नाश करता हुआ अपरोक्ष ज्ञान निवृत्त संसार बंध सन अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा संसार के प्रतिबंधन कारण को से निवृत्त होकर के परम पदम निर्दिशय आनंद रूपम मोक्षम न चिराद मन अविलंबेन प्राप्त, निर्दिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही वह अविलंब से ही प्राप्त कर लेता है। सत्य ज्ञान आनंद लक्षण ब्रह्म भवति इत्यर्थः कहने का तात्पर्य इस ग्रंथ के चिंतन करते रहोगे सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप होता ब्रह्म ही वह हो जाता है। आप इसके बाद भी अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई ना आपको, इसीलिए आप दूसरे प्रकरण पढ़ेंगे द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण, दूसरा जो पंचभूत विवेक प्रकरण है भूतों पर चिंतन करेंगे पंच महाभूत विवेक प्रकरण। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया, नत्वा श्री भारती तीर्थ। रामकृष्ण नामक जो टीकाकार है वो कह रहे हैं श्लोक को, मैं अपने गुरु जो इस ग्रंथ के निर्माता दोनों भाई श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि उन दोनों गुरुगण को ईश्वर मैंने उन दोनों गुरुजनों को नमस्कार करके पंचभूत विवेक नामक इस ग्रंथ का व्याख्यान मया क्रियते, व्याख्या टीका मेरे द्वारा किया जाता है। सदैव सौमेद मगर आसीदेकमेवा द्वितीयमिति श्रुत्या जगदुत्पत्ते पुरा यद् जगत् कारणं सद्रूपं अद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं तस्य अवाङ्मनसगोचरत्वेन स्वतः अवगन्तुम् अशक्यत्वात् तत्कार्यत्वेन तद्वादिभूतस्य पञ्चभूतस्य भूतपञ्चकस्य विवेक द्वारा तद् अवबोधनाय उपोद्घातत्वे भूतपञ्चविवेकं प्रति जानीते। सदैव सौमेद अग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम्, यह श्रुति छांदोग्य उपनिषद छठे अध्याय दूसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र है, सदैव सोमिदम अग्र आसीत, यह जगत पहले उत्पत्ति से पूर्व सत ही था और असत कैसे था एकमेव अद्वितीयम् एकम एव अद्वितीय था, सजाति विजाति और स्वगत भेद से शून्य था रहित था, ऐसा श्रुति जो कही है जगत उत्पत्ति है पूरा जगत उत्पत्ति से पहले यद जगत कारणम जो जगत का कारण है वो कैसा था सद्रूपम अद्वितीयम एकम एव ब्रह्म, वह सद्रूप था अद्वितीय था एक ही था वह उसका नाम ब्रह्म है श्रुतम, ऐसा श्रुत्या श्रुतम श्रुति से हमने सुना है
तस्य अवांग मनस गोचरत्वेन, इन तादृश भ्रम जो सुना हुआ है हमारे वाणी या मन का विषय नहीं होता है, इसलिए स्वतः अवगंतुम शक्तवात्, स्वतः ही वह हमें बोध हो जाए, अनुभूति में आ जाए, यह संभव नहीं है। इतना आसानी से हमारे अनुभव में आने वाला वो नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर ही ऐसे जाल बना लिए बैठे हुए हैं, उस जाल को खुद ही हम तोड़ नहीं पा रहे, खुद के बनाए हुए जाल को खुद ही हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने ही कृत मोह बंधन है, अपने ही कृत अहंकार है, अपने ही अज्ञान से उत्पन्न सारी चीजें हैं, इन अपने अज्ञान को हम मार नहीं पा रहे, स्व आवरणीभूत स्व अज्ञान को हम निवृत्त नहीं कर पा रहे, ये विचित्र स्थिति है। इस स्थिति में कहते हैं तो स्वतः अवगंतुम शक्तवात्, इसे स्वयं ही अपने आप अनुभव हो जाए, ब्रह्मज्ञान हो जाए, यह तो हो नहीं सकता था। अतएव तत्कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य, इसने कार्य के द्वारा कारण को पकड़ाना चाहते हैं, कार्य के माध्यम से कारण तक पहुंचाएंगे और कारण ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उसके उस ब्रह्म का उपाधि भूत जो भूत पंचक विवेक द्वारा, भूत पंचक का विवेक द्वारा तत् अवबोधनाय, उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए वो बोध घातत्व ना आपको जो है ना एक तरह से प्रवेश कराने के लिए, इस चिंतन में, इस विचार प्रक्रिया में आपको प्रवेश कराने के लिए भूत पंचक विवेकम प्रतिजानित है, भूत पंचकों का विवेक को की प्रतिज्ञा करते हैं। सदद्वैतं श्रुतं यत्तत् पंचभूता विवेकता बोधुम शक्यम तदो भूत पंचकम प्रविविच्यते सद्वैतम श्रुतात् श्रुतम सजाति विजातीय स्वगत भेद रहित अद्वैत उस कारणभूत सद ब्रह्म के बारे में सुना गया है, जो उसको पंचभूत विवेकतः बोधुम शक्यम, उसका बोध हम पंचभूत विवेकों के द्वारा करा सकते हैं, इसलिए ततः भूत पंचकम प्रविविच्यते, भूत पंचकों का हम विवेक करने जा रहे हैं। इस पर कोई टीका नहीं लिखा, सीधा साधा अर्थ था। इसलिए तद्रतावद आकाशादीनां पंचानां भूतानां गुणतो भेदज्ञापनाय तद्गुणानाः, पहले पंचभूत कौन है, वो क्यों अलग अलग हैं, आप पांच क्यों बोल रहे हो, तीन क्यों नहीं बोला, एक क्यों नहीं बोला, पांच क्यों बोल रहे हैं, पांच मानने की जरूरत क्या है, उनके गुणों का भेद बताना पड़ेगा। आकाश आदि पंचानाम भूतानाम, आकाश आदि जो पांच भूत है उनके गुणता भेद क्या पाना है, गुणों के वजह से उनमें परस्पर जो भेद हुआ है उस भेद को बताने के लिए उन गुणों को हम पहले बताने जा रहे हैं। तद्गुणानाः, पहले बताएंगे कौन से भूत में कितने गुण हैं और कौन से गुण हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधो भूत गुणा इमे एक द्वि त्रि चतु पंच गुणा व्योमादि शुक्रमा, करे पांच ही गुण है संसार में, कौन से पांच, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, भूत गुणा इमे, यही इमे मने ये जो पांच हैं, ये भूतों में रहने वाले गुण हैं। तब पूछेंगे क्या पांचों गुण पांचों भूतों में रहेगा प्रत्येक में, एक द्वि त्रि चतु पंच गुणा व्योमादिशु क्रमात्, क्रम से समझो, व्योमादि में क्रम से समझना है, आकाश में एक ही है शब्द मात्र, वायु में दो शब्द स्पर्श और अग्नि में तीन शब्द स्पर्श रूप, जल में चार शब्द स्पर्श रूप रस और अंत में पृथ्वी में पांच शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ननु एते गुणाः किम सर्वेषां, उत एकैक से एकैक गुणः, कहते ये जो पांच गुण के नाम गिनाए अपने, ये सभी में प्रत्येक में पांचों पांचों रहते हैं या एक एक में एक एक ही माना जाए, एक एक में एक एक ही मानी जा सकती है अथवा पांचों प्रत्येक में माना जा सकता है, कहते नहीं नहीं पांचों प्रत्येक में भी नहीं है, एक एक में है, एक 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 में है, ऐसा भी नहीं है, क्रम से समझो, पहला में एक, दूसरा में दो, तीसरा में तीन, चौथे में चार, पांचवे में पांच।
ऐसे समझो, क्योंकि पंचीकरण करने के बाद हो ही जाएगा सारा, कार्यकारण भाव में वैसे बन जाएगा। कि पंचीकरण में क्या होगा, सारा गुण सारे में आ जाएगा, सारे गुण सारे में आ जाते पंचीकरण से। लेकिन पंचीकरण से पहले क्या है, एक में एक ही है, दूसरे में दो आ जाता है, कारण का अपना एक कारण का गुण आ गया और खुद एक अपना गुण हो गया। अगले कार्य पैदा हुआ वो दो कारणों से, दो पूर्व कारण है ना, उन दोनों से आया हुआ गुण उसमें आ जाएंगे और खुद का एक होगा। चौथा में पूर्व का तीनों आ गए और खुद का एक चार हो गया। पांचवा आपका तत्व पृथ्वी, उसे पूर्व चारों आ जाते हैं और खुद का अपना गंध हो जाता है। तदेव प्रकारांतर विषय देती, कहते हैं महाराज कैसे, हमें तो वायु में शब्द नहीं दिखाई देता, आपने तो अग्नि में भी शब्द बोल दिया, स्पर्श भी है, स्पर्श तो समझ में आती है, लेकिन ये कैसा उस अग्नि में भी शब्द भी है क्या, वायु में शब्द किसने देखा। तब कहते हैं हम अनुकरण करके आपको बताएंगे, सभी में होता है। प्रतिध्वनिर्व्येत शब्द वायु वीसीति शब्दनम अनुष्णाशित स्पर्शो वन्नौ भुगभुगु ध्वनि, वन्नौ भुगभुगु ध्वनि। प्रतिध्वनिर्व्येत शब्द, व्येत मने आकाश में शब्द एकमात्र गुण है और वह प्रतिध्वनि रूपा है, आपका स्पष्ट होता है आकाश में है, आपने खुद बोला प्रतिध्वनि आ गई, प्रतिध्वनि से स्पष्ट होता है आकाश में शब्द हुआ करता है। वायु में शब्द स्पर्श दोनों है, कौन सा स्पर्श है, अनुष्ण अशित स्पर्श है वायु में, और शब्द क्या है वीसीति शब्दनम, जब चलता है करके सी करके आवाज आता है, बड़ी तेज आवाज के साथ चलता हुआ सुनाई देता है, उसका अनुकरण क्या वीसीति, यानी कि वीसी ही बोलता है वो वायु अनुकरण, जैसे बोलते ना सांप कैसे बोलता है भुस्से बोलता है क्या, वो बहुसा बोलता है क्या, लेकिन आप अनुकरण करते ना उसकी फुस को भुस करके बोलते, अनुकरण में ऐसे ही होता है, हो गया डैड करके गिरा, वो जो गिरा वो डैड बोला क्या है, आवाज जो आई उसका आप अनुकरण करते, जो गिरा तो पत्थर गिरा वो डैड करके बोलेगा कहां से, आप इतने डैड करके आवाज आया, आप अनुकरण करते वो कैसे चल रहा है पटपटपट, मैंने वो चप्पल फटपट करके जा रहा है तो उसका अनुकरण करते पटपटी थी, इस वायु के चलने का अनुकरण करके बोल रहे, कैसे बताए वो वीसीती, और अग्नि में भी शब्द है कैसे भुक 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 जल रहा है, आप भी बोलते ना भुक 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 जल रहा है, नहीं भुगु 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 इति ध्वनि अग्नि में, आकाशता शब्द एव गुण, आकाशे तावत शब्द एव गुण, आकाश में केवल शब्द मात्र गुण है, सच प्रतिध्वनि रूपा और प्रतिध्वनि रूपा है, वायु शब्द स्पर्श हो, वायु में शब्द स्पर्श दो है, तत्र वायु शब्द अनुकारेण दर्शयते, वायुगत शब्द को अनुकरण के द्वारा दिखा रहे हैं वीसीति शब्द निमिति एवं उत्तरत्र अनुकरणम, अनुकरण शब्दनम दृष्टव्यम, इसी तरह से आगे भी जब जगह अनुकरण ही समझना शब्द के बारे में, तस स्पर्श माह उस वायु में रहने स्पर्श को बता रहे अनुष्णाश स्पर्शित व नौ शब्द स्पर्श रूपाणी इति त्रयो गुणा, वन्नी में तीन है शब्द स्पर्श और रूप, तेज क्रमेण विधियंत है उनको क्रम से बता रहे, सबसे पहले बता रहे शब्द गौण है व नौ भुगु भुगु ध्वनि, भुगु भुगु ध्वनि होता है स्पर्श और रूप, क्या है उसमें कहते हैं उष्ण स्पर्श प्रभा रूपम जले बुलु बुलु ध्वनि शीत स्पर्श शुक्ल रूपम रस माधुर्य मीरितम, उष्ण स्पर्श जल में स्पर्श का मैंने वन्य में स्पर्श क्या है उष्ण स्पर्श है और इसका रूप क्या है प्रभा रूपम मैंने भास्वर शुक्लम तेजसी नया एक लोग बोलते ना भास्वर शुक्ल प्रकाश तत्व शक्ति विशिष्ट भास्वर शुक्ल को प्रभा रूप कहते हैं। अब आइए जल में, जल में शब्द रूप रस और स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप और रस क्रम से बोलो, शब्द स्पर्श रूप और रस, शब्द क्या है जल में बुलु बुलु ध्वनि, अनुकरण क्या बुलबुल बुल कर बगता है ना पानी बुलु बुलु ध्वनि, और स्पर्श वहां शीर स्पर्श है और शुक्ल रूपम माने अभास्वर शुक्ल रूप है, प्रकाशकत्व शक्ति रहित, प्रकाशकत्व शक्ति रहित जो भास्वर शुक्ल है उसको कहते हैं अब
शुक्ल रूपम रसो माधुर्य मीरितम। और रस कौन सा है? मधुर रस एव, मधुर एव रस, जल में मीठा रस ही होता है। जले शब्दादयो शांता चतर गुणा, जल में शब्द से शुरू करके रस पर्यंत चार गुण होते हैं। ताना उन्हीं को बता रहे, जले बुलबुल ध्वनि शीत स्पर्शा शुक्लम रूपम रसो माधुर्यमिति। भूमौ शब्दादि गंधांता पंच गुणा तान उदाहरदि, और पृथ्वी में शब्द से लेकर के गंग तक के पांचों गुण हुआ करते हैं, उनको एक क्रम से बता रहे हैं। भूमौ कड़कड़ा शब्द काठिन्यं स्पर्शयिष्यते नीलादिकं चित्र रूपम मधुर राम्लादिको रसः। पृथ्वी में कड़कड़ा शब्द, कोई भी चीज को फाड़ो तो कड़कड़ करता है ना, लकड़ी वगैरह पार्थिव चीजें फाड़ेंगे तो क्या होता है, कड़कड़ा शब्द आता है। काठिन्यं स्पर्शयिष्यते, और कौन सा स्पर्श है पृथ्वी में? कठिन स्पर्श, असली पृथ्वी कठिन होता है। नीलादिकं चित्र रूपम, और नील आदि से लेकर सात रूप चित्र रूप नामक सहित सातों रूप पृथ्वी में है। मधुर अम्ल आदि को रस, मधुर अम्ल आदि षट प्रकार का रस पृथ्वी में होता है। सुरभित्र गंधौ दौ इत्यंत उत्तम अर्थम समृद्धि, सुरभि और इतर मन कौन, सुरभि से इधर असुरभि, ये दोनों गंध भी पृथ्वी में ही होता है। सुरभित्र गंधौ दौ गुणा सम्यक विवेचिता श्रोत्रं तक चक्षुषी जिह्वा घ्राणंचेन्द्रिय पंचकम्। सुरभि और उस इतर अर्थात इतर कौन है, असुरभि, ये दोनों ही गंध उसी पृथ्वी का, दो प्रकार के गंध भी उसके गुण समझो। इस प्रकार से गुणों की हमें सम्यक प्रकार से विवेचन कर बता दिया किस तत्व में, किस भूत में कौन से गुण होते हैं। और आप इंद्रियों के द्वारा जानिए किस इंद्र से हम कौन से गुण को ग्रहण करते हैं। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम्, ये श्रोत्र के द्वारा शब्द ग्रहण करते हैं, त्वक् इंद्र चमड़े के द्वारा स्पर्श ग्रहण करते हैं, चक्षु के द्वारा रूप को, जिह्वा के द्वारा रस को, और घ्राण के द्वारा गंध को हम ग्रहण करते हैं। एवं गुणतो भेदम अभिधाय कार्यो भेद व्यापनाय, गुण से भी तत्वों में भेद आया और कार्य के अनुसार भी तत्वों में भेद को भेद कराने बताने के लिए तत्कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदाह, उनके कार्य भूता ज्ञानेन्द्रियों को बता रहे हैं। इन्हीं भूतों के कार्य है ना ये, आकाश कार्य कौन है, श्रोत्र शब्द ग्रहण करता है, और वायु का कार्य है त्वक् इंद्रिय स्पर्श ग्रहण करता है, वन्नी अग्नि का कार्य है चक्षुरिंद्रिय ग्रहण करता है वो रूप को, जल का कार्य है रसनेन्द्रिय ग्रहण करता है वो रस को, पृथ्वी का कार्य है घ्राणेन्द्रिय ग्रहण करता है वो गंध को। कार्य को देखने से भी लगता है पांचों भूत अलग अलग है, गुण से भी पांचों भूत अलग है, कार्य से भी पांचों भूत अलग है। ये पांचों एकात्मक होता तो कार्य भी एक होता, अलग अलग क्यों, अलग अलग इंद्रियां हैं यहां पर। तेषां स्थानानि व्यापारांश दर्शयति, इतने इंद्रियों का स्थान का दृष्टि से भी पांच तत्वों का भेद समझना पड़ेगा, और इंद्रियों के व्यापार का दृष्टिकोण से भी इनके भेद को समझो। कर्णादि गोलक स्थम तत् शब्दादि ग्राहकं ग्रमात् सूक्ष्मात् कार्यान्वेयम् तत्प्रायो धावेत् बहिर्मुखम्। कर्णादि गोलक स्थम, ये कहां रहते हैं, कर्ण आदि गोलकों, कर्ण में श्रोत्र है, ये जो चर्म चक्षुर का गोलक में चक्षुर इंद्रिय है, जिह्वा में स्पर्श, ये चर्म में त्वक् इंद्रिय है, फिर आए अग्नि का कार्य चक्षु, वो यह गोलक चक्षु गोलक में विद्यमान है, जिह्वा रूपी गोलक में रसनेन्द्रिय विद्यमान है जल का कार्य, और गंध का कार्य घ्राणेन्द्रिय नासिकांड, इस तरह से तत्व कार्यों का स्थान भी भिन्न भिन्न है। इतने नहीं, व्यापार भी भिन्न भिन्न है। शब्दादि ग्राहकं ग्रमात्, एक शब्द ग्रहण करता है एक स्पर्श को, एक रूप को, एक रस को, एक गंध को, सूक्ष्म। लेकिन कहते हैं भाई
ये कैसे आपने जाना है सारी बातें, देखा है क्या आपने कभी? कहते नहीं नहीं हम तो हम भी नहीं देखे, देखे तो बोलोगे कैसे? कहते सूक्ष्म आगे ना हेतु, ये हेतु पहले दिया ना सांख्य कार्यकाल में, सूक्ष्म होने से कई चीजें हम देख नहीं पाते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के ग्रहण नहीं कर पाते, इतने मात्र से वस्तु नहीं है नहीं कर सकते। कार्यानुमेयम तक, कार्यों के द्वारा अनुमान किया जाएगा वहां। रूप ज्ञानम सकरणकम, रूप ज्ञानम सकरणकम कार्यत्वात् घटवत्, दंड कर्ण का घटवत्, किं तत्कारणम तत्चकरणम चक्षुरेव भवितुम अर्हति, वह कर्ण चक्षी हो सकता है। क्यों? कर्णादि सत्वेपि अनुविंचकत्वेपि, कर्णादि सत्वेपि अनुविंचकत्वात्, कर्णादि के रहते हुए भी वह अभिव्यक्त नहीं होता, ये चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वात्। रूप ज्ञान है ना, वह कर्ण कौन होगा? चक्षु होगा, क्योंकि अन्य इंद्रियों के रहने पर वह ग्रहण नहीं होता रूप, किंतु चक्षु के होने पर ही ग्रहण होता है। अनुमेयम तत् प्रायो धावे बहिर्वघम, और ये सारी ज्ञानेन्द्रिय कैसी हैं? प्राय इनका स्वभाव है ये बहिर्मुख होकर भारी भागते रहते, परांच खाणी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कहा है ना वही कह रहे हैं। तत् प्राय धावेत बहिर्मुखम, इंद्रिय सद्भाव किम प्रमाणम इति आकांक्षा कार्यलिंग का अनुमान इत्याह, तच्च रूपोपलब्धि कर्णजन्य क्रियात्वात् छिद क्रियावत इत्यादि द्रष्टव्यम। फिर क्यों उपलब्ध नहीं हुआ हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ? सौक्ष्म अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्व दुर्लक्षित, अपंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य होने से वह इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा लक्ष्य नहीं होता। एतेषां स्वभाव माह, इनके स्वभावतः प्राय बहिर्मुख होते, प्रांचकांड संभव श्रुते है इत्यर्थ।